वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा असलम। मैं हूं हालिया खान। तो गाइज अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, मतलब इस भैया की पहली कोई वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। इस वीडियो का नाम है सस्से पूनम इज न्यू क्रश। न्यू क्रश शिवम सिंह राजपूत। तो देखते हैं भाई साहब कैसी वीडियो है। भाई की रोस्ट किया मुझे ऐसा लग रहा रोस्ट है, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई मजे की होगी। हमने तो चेक कर जरा इसका मजे की होगी जब जाके हम लोग आपकी हर वीडियो पर रिएक्शन दिया करेंगे। तो खैर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी वीडियो है। ठीक है ये 1 2 3 स्टार्ट। हाँ पापी इंसानों ऐसे की वीडियोस दिखाने वाला हूँ वीडियो में, टिक जाओ रुक जाओ। अब देखना साला हरामी कोई भी स्किप नहीं करेगा। हम तो करते ही नहीं स्किप। तो आज हम बात करने वाले हैं सैसी सैसी पूनम की। हाँ इसका यूजर नेम है सैसी पूनम। अच्छा सैसी पूनम। चीजें फनी लगने पे हमारी तरह दांत फाड़ फाड़ के नहीं करते ये लोग, एक्सो एक्सो लिखते हैं। हाँ वही 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 वाले। देखो भाई एक होता है असली, फिर होता है बहुत असली, फिर आती है हमारी टोपिया अंसारी और उसके ऊपर आती है हमारी सस्ती अब सैसी पूनम। टोपिया जी को तो यही बदनाम कर रखा है मैंने, माफी चाहता हूं टोपिया जी। ये तो टोपिया जी इनटू 100 है अश्लीलता में। क्या टोपिया जी को नहीं जानते यार? जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं करते वो इधर किधर आ रहा होगा कार्ड, वहां पे जाके क्लिक करके देख के पता चल जाएगा कौन है। खैर इसको छोड़ के हम बढ़ते हैं सैसी पूनम जी की ओर, मतलब उनकी वीडियोस की ओर। गलत मत समझना सालों, नहीं तो मेरे को भी सेक्सिस्ट रेपिस्ट फेमिनिस्ट लौडू लसनिस्ट जाने क्या क्या बना देंगे। बस 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 इससे नीचे मत ले जा लाल लाइट को, देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको। हमारा पुट्टी और हैंड थाई पेट ढूंढे कहीं पे भी नहीं ले जाना, यहीं पे ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लगाओ। सब ठीक है लेकिन हर बार ये वीडियो में होठों को बीचने की क्या जरूरत है? इंस्टाग्राम पे जहाँ देखो वहाँ लड़के होठ बनने के लिए पौने 4 इंच की जीभ बाहर निकाल के कुत्ते की तरह आ, आ, करते रहते हैं और लड़कियाँ क्यों जो बात है होठ सूज के हाफूज आम बन जाएंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाड़ी का या बूंदा चला। वाह 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 टैलेंट 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 अवार्ड दो अवार्ड अवार्ड। वीडियो में एफर्ट्स डाल ले अजी लावड़ा, बस चैन खोल दो बात खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश गुड बाय गया। चलो छोड़ो इनसे ही पूछ लेते हैं। तो सैसी पूनम जी अश्लीलता फैलाने में आपको पास में से कितने नंबर दिए जाए? जब बेटा ऊ करते रहता तेरी माँ का भरोसा मत तोड़ना। तेरे इश्क की पब्लिक तक चूतिया है यार, ये गाना चले गए तेरे इससे अच्छा तो हमारी सीरियल है। चली सासू माँ हम टीवी देखते हैं। हाँ बेटा लगा दे सीरियल। छोटी मोटी हाँ ये है सुकून। सासू माँ देखिए इसकी सास कितनी चुड़ैल है, ऐसी चुड़ैल सास होती ही क्यों है दुनिया में, जो पूरे दिन काम धाम तो करती नहीं है, बस मुफ्त का खाती रहती है, बस बैठी रहती है और टीवी देखती है। ऐसा मन करता है ऐसी सासों को तो चाय में जहर मिलाकर दे दे। क्या हुआ सासू माँ आप चाय लेंगी क्या? नहीं बेटा नहीं, मैं ना लूंगी चाय। तू बता तू चाय पिएगी तो तेरे लिए बना दूं बेटा। हाँ सासू माँ आप इतना कह रहे हो तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेना। जी बेटा। सासुमा उसमें अदरक और इलायची भी डाल देना, मजा आ जाएगा। वर्कआउट। हाँ मैं कितनी मोटी हो गई हूँ यार, वो प्रिया की बच्ची ना हमेशा अपने जीरो फिगर से ना राहुल को इम्प्रेस कर ले जाती है। आज मैं इतना वर्कआउट करूंगी कि अपना जीरो नहीं माइनस में कर लूंगी अपना फिगर और फिर राहुल मुझ पे लटके हो जाएगा। शादी से पहले लेकिन जब छोड़ बाकी का वर्कआउट कल करूंगी, आज के लिए इतना कम ही है।
पंद्रह। शादी के बाद अपना फिगर मेंटेन करना कितना मुश्किल हो गया है। चलो अब अपना रेगुलर वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ा तो मेंटेन रहेगा। किसका वर्कआउट है? आज तो मैं इतना थक गई ना शॉपिंग करके। ओहो इतने सारे शोरूम्स, ये इतना सुंदर टॉप लग रहा है ना, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन है। ये तो तनु के बर्थडे पे पहनूंगी, कितना सुंदर लग रहा है, इसका कलर इतना प्यारा है, वाओ। और देखती हूँ। ए तू भी दे दे थोड़ी लाइन मामा, मेरा लौड़ा ले लौड़ा ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। व्हाट इज द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इन रेड लेड Pb3O4। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अच्छा, जिनको रेड लेड के बारे में नहीं मालूम है बता दूं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा विस्फोटक पदार्थ है। मतलब इसने ना कई जिंदगियां तबाह कर दी है। कॉमन नेम है इसका सिंदूर। नानू, कौन से सॉन्ग सुन रहे हो? दया, यही है पीवी जी का घर, दरवाजा तोड़ो। अब तुम्हारे बाजुओं में कोई जान नहीं रही। क्या हुआ दया? दया, अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में, बांक मुठ मारने लगे हो क्या? अबे ओ बुड्ढे, वो साले बुड्ढे खुद को तो देख ले। अबे तुझसे तो घर की डोर बेल तक न दबती। अभिजीत समझा ले से। मैं समझाता हूँ सर, आप रुकिए। दया बहुत गलत कह रहे हो कि सर से डोर बेल नहीं दबती, सर से भाभी के भी ना दबती। तू क्या करता है रे, तेरी तो Muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Oh. ¿Qué haces, tío? ¡Ah! 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 हाँ, तो उसने व्हाट्सएप पे बताया कि उसके हस्बैंड की वजह से वो जिम नहीं आ रही है। अरे रुको जरा, सबर करो। हस्बैंड? पर उसके हस्बैंड को तो पता है ना कि वो जिम आती है। अरे यार अब कैसे समझाऊं मैं तुझे। अच्छा चल बता, इस जिम की कितनी एंट्री? दो, एक आगे से और एक। हाँ तो अब समझ ले, निशा जिम है और उसका हस्बैंड दूसरी एंट्री से अंदर आता है। सरकार में रहता मैं आपको भी सलाह दिलाता। तो चल नहीं पा रही है ठीक से। खो खो खेलो या खेलो कबड्डी, ना करो तुम लड़ाई।
खोखो खेलो या खेलो कबड्डी ना करो तुम लड़ाई, ये लाई हूँ मैं सेक्स टॉयज का कलेक्शन, पैंटो दबा के करो चुदाई। ये बोसड़ी वाली नहीं मानेगी, तुम क्या लाए कजामा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये देखो मेरी नकली लल्लियों का कलेक्शन, मैं इनसे अपनी आग बुझाता हूँ। कजामा तुम तो बड़े ही भोसड़ी वाले निकले। शिनचैन तुम मेरी ही क्यों लेते हो ले दे के? अबे चुप भोसड़ी के, आखिर किस बात की है तुझमें इतनी अकड़? तू आके मेरा लंड पकड़। चुप हो जा वरना हो जाएंगे कान, तू जाके मरवा कुत्तों से अपनी गांड। गुस्सा मत दिला नहीं तो कर दूंगा हलाल। अबे चुप भड़वो के दलाल, शोभा नहीं देती तुम्हें ऐसी बातें, तू और तेरा बाप दोनों बैठ कर गुए हैं खाते। वीआईपी का जो बात है, तुमसे कुछ बोलना है। ये कि मैं लेस्बियन हूँ। क्या बोला तूने? मैं लेस्बियन हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेस्बियन ये क्या होता है? तुम बहरे भी हो क्या साथ में? समझ में नहीं आता। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अरे वो तो मुझे नहीं ना, सेम थिंग। नो स्टोन नो पिक, ओनली सीजर्स, ओनली सीजर्स। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody and lock 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. Mera desh, mera desh, mera desh, mera desh badal raha hai, aage badh raha hai, mera desh badal raha hai. Wow, Modi ji, wow. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अच्छा रोहू, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे क्या मेरे पे शक कर रहे हो क्या? नहीं मतलब खून तो तेरे अंदर तेरे बाप पे ही है ना। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो मम्मा आप? क्या क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, 28 का हो गया। अच्छा सुन, सेक्स तो किया है ना तुमने? सच सच बता दे, अगर अभी तक सेक्स नहीं किया है तो वो खोसला साहब है ना, उनकी बेटी से तेरी शादी के बाद चला गया। वाह क्या सीन है। अरे के साथ को स्कूल में ही सेक्स कर लिया मेरे बेटे ने। Hey, y'all, come look at this. जैसे सट्टेबाज कमाते हैं बैटिंग से, पगबॉय लूटते हैं अपनी सेटिंग से, वैसे कुछ लोगों को चूल सवार है पैसा कमाने का नेटवर्क मार्केटिंग से। आप इनको जैसे ही ज्वाइन करेंगे वैसे ही कहेंगे गरीबी के दिन को छोड़ो, अपने आगे दो दो लोग को जोड़ो, अबे पैसा कमा रहे हो थ्रीसम करवा रहे हो। इनका सारा सिस्टम तीतर के जैसे, जैसे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, पैसा पेल के अब गायब हो जाएंगे सारे तीतर आपकी गाड़ के भीतर। इनको ज्वाइन करते ही एक अंकल अपने शादी में मिले दहेज वाले कोट को पहन के आएंगे, खुद को अमीर दिखाएंगे और अपने सक्सेस की ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जैसे बुर्ज खलीफा इन्हीं ने खड़ा किया है, डेनी का इन्हीं ने बड़ा किया है, एक घंटा चाट के इन्होंने हमारे दिमाग का भूसड़ा किया है। अब BMW मोटिवेशन के लिए काम नहीं आ रही तो कहते हैं पैसा कमा लड़की पटाओ, सर मुद्दा पैसा नहीं शकल है, इला इला के थक चुके हैं, उम्मीद कहीं रख चुके हैं, कहा बाबा बैठा है जब सारे जन सोए, पैसे से प्राण मिले सच्चा प्यार करे ना कोई। और भाई साहब अपने प्रोफाइल के बारे में गजब इंग्लिश लिखते हैं कि when I need her she leaves me but now I'm billionaire so she came back। अबे सीधा बोलो ना, जब खड़ा था तो आई ना, तो अब मुठ मा लिया तो मां चुदा तू। और ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको इनके स्कैम के बारे में नहीं पता, और उनको देख करके मन में यही कहते हैं कि जिंदगी लौड़े का पुलिंदा है, गुलाबी आजकल चुनिंदा है, कभी याद कर लिया करो इस नाचीज को भी, ये शख्स सिर्फ आपकी गांड मारने के लिए जिंदा है। और मीम पेजेस ऑफ लव हमारा, लेकिन आपकी स्टोरी देखते देखते जब आता है ना 30,000-40,000 रुपए कमाई पर डे, उस वक्त ऐसे झाड़ सू लगती है जैसे मुठ मारते वक्त खटखटाहट हो, जैसे घर वालों के साथ टीवी देखते वक्त आ जाए मैन फोर्स का शो, जैसे ही पॉन देखते वक्त आ जाए ऐड की क्या आपके लंड में भी नहीं है जोर। तो कोई बोला आपसे कि आप घर बैठे 2 लाख कमाए, आप बोलिए भैया आप अपनी मां चुदाए, कितना भी वो बोले कि आप कमाएंगे ताबड़तोड़, आप बस उनको बोलिए भाग मादरचोद। मैं तुम्हारी क्रश का वास्ता, लाइक करो सब्सक्राइब करो मीम हब और पारस प्लेयर्स को। okay. तो तरीका है भीख मांगने का। ये लड़के ने एंड में मौज कर दी, कसम से इतना लंबा बोला और जो बोला सही बोला। ओ यार 2 लाख कमा, 2 लाख कमाए घर बैठ के, उससे बोले मां चुदाए। मुझे वो अच्छा लगा यार, जिम वाला और एक कार्टून वाला कार्टून वाला। हाँ। कसम से कार्टून वाले ने भी मतलब
जिसने भी वो लाइंस लिखी होंगी बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, गुड यार। खैर कोई नहीं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।